खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की विधानसभा के बजट सत्र में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का बड़े ही सरल अंदाज में जवाब दिया। बता दें कि खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। और बीते 6 महीने में राज्य में प्राथमिक परिवार के अंतर्गत कुल 3,437 राशन कार्ड बनाए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और राशन कार्ड के संदर्भ में NFSA के तहत जो राशन कार्ड अलॉटेड है उतने ही राशन कार्ड जो है राज्य सरकार लगातार क्रियान्वित किए हुए है। मैंने बताया कि यदि हमें किसी व्यक्ति का अंत्योदय या किसी व्यक्ति का प्राथमिक परिवार यानी कि गुलाबी या सफेद कार्ड हमें बनाने हैं तो जैसे ही हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी तो वैसे ही वो पात्र व्यक्ति के संग में उसे स्वतः ही जोड़ा जा सकता है या संबंधित जनप्रतिनिधि हों या संबंधित कोई भी व्यक्ति खुली बैठक के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से उसके लिए आवेदन कर सकता है। और जैसे ही विभाग के पास में किसी यूनिट की जानकारी आती है तो विभाग उसको एडजस्ट करता है। तो इसलिए यह प्रक्रिया हमेशा गतिमान रहती है और मुझे लगता है कि जो फिक्स यूनिट है उससे ज्यादा राज्य सरकार बढ़ भी नहीं सकती है क्योंकि ये 100% केंद्र पोषित योजना है। तो इसलिए एक किसी का जो भी अपात्र है उसका कटेगा और जो पात्र है वो जुड़ेगा।